रहेंगे इस फायदे कर खाते खोलने के इरादे से आए हैं ये स्ट्राइकर दुमका टीम की तरफ से। ऑफ टारगेट और बेहतरीन चांस जेएससीएस रामपुर टीम के लिए लीड करने का इस टाई ब्रेकर में एक सुधार अवसर। लेकिन सबसे बड़ा काम यहां फिर से बढ़ता हुआ परिमल सोरेन के लिए, जिम्मेदारी उनके कंधों के ऊपर में ज्यादा बढ़ गया है। अपनी टीम के खेमे से इस वक्त उठ चुके हैं एलियास मुर्मू। अगर ये गोल करते हैं तो अच्छी शुरुआत, परिमल इसको रोकते हैं या फिर किसी वजह से ये शॉट टारगेट में नहीं गया तो एक में शुद्धि शुद्धि की बराबरी पर। लेकिन कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, रन अप बड़ा लंबा लिया जा रहा है। लेकिन बेहतरीन शॉट, रामपुर एक में एक, दुमका एक में शून्य, एक शून्य के बहत। नेक्स्ट मैच के लिए एक टीम डग आउट की तरफ अग्रसर है, उसके ओपोनेंट टीम जो भी टीम नहीं पहुंचे हैं उनके टीम के कैप्टन से रिक्वेस्ट होगा आप अपनी टीम का नेतृत्व कीजिए और अपनी टीम के खिलाड़ियों को डग आउट की तरफ लेके जाइए। दूसरा शॉट, यहां से अब मिस्टेक नहीं होना चाहिए, डिफेंस लाइन के बहुत ही बेहतर खिलाड़ी और बेहतरीन डिफेंडिंग के लिए जाने जाते हैं सुरेंद्र किस को आया है दूसरे नंबर पर स्ट्राइक लेने के लिए। छोटा रनअप, किस्कू का शॉट कभी चुकता नहीं, टॉप कॉर्नर में बेहतरीन शॉट, दो में एक दुमका, रामपुर एक में एक, कोई नहीं मिस्टेक होता है तो यहां से ये बढ़त लगातार बरकरार रहेगा रामपुर का। बेहतरीन शॉट यहां पर परिमल क्या रखा है बारिया गड्डी में ना को यहां ना और आ गड्डी गिरे गिरे भरा पर बांखाई गो में आ रहे कहता पे को और हाय तो लड़ा कहता पिया ना तो मी ट्रेन को मिल ना और गिदरे को काट पे बोलो ना तला तने तो आन पे बोलो उठ को पे ठीक है ना गड्डी को अगली पर बाकी दिखाए। परिमल सोरेन हल्के में ये शॉट लिया, परिमल ने भी गलती किया, चार में परिमल अगर गोल करते तो दो दो की बराबरी हो सकता था लेकिन यहां पर चार नंबर आते हैं। बेहतरीन डाइव यहां पर लेकिन नहीं हुआ संपर्क ग्लव्स और बॉल में, तीन में तीन रामपुर जबकि तीन में एक। लेकिन परिमल के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा, सेव करना होगा तभी यह बराबरी होगा और उनकी टीम के दोनों स्ट्राइकर का शॉट गोल होना चाहिए। चार में दो जबकि ये भी शॉट निर्णायक का चांस अपने टीम के लिए बना के रख सकते हैं और इसके साथ ही रामपुर की टीम क्वार्टर के लिए दुमका इस श्रृंखला से बाहर। और अभी जो मैच होगा मुख्य संघ ग्वालियर